सो हेलो गाइस, दिस इज़ बॉय रुद्दा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का मेरी ओर से एक न्यू वीडियो में। सो यार गाइस, जैसे आप लोगों को पता होगा, मेरा स्पीडी के साथ एक्सीडेंट हो गया था। एंड गाइस, एक्सीडेंट में मुझे थोड़ी लग भी गई थी गाइस, मतलब ऐसी जगह लगी थी ना, उसके कारण गाइस ब्लॉग वगैरह भी बहुत टाइम से नहीं आए, तो उसके लिए दिल से सॉरी। पर यार गाइस, रियली अभी तक मैं पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ हूं, तो गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। गाइस जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मुझे इतना लग गया है ना कि गाइस, इसके कारण गाइस मैं पेंट वगैरह कुछ भी नहीं पहन पा रहा हूँ। एंड गाइस, जो गियर शिफ्टिंग वगैरह में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती, सॉरी यार गियर शिफ्टिंग बोला हूँ मैं, ब्रेक वगैरह मारने में तो गाइस बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती। तो यार गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी गाइस मैंने बेबो में मॉडिफिकेशन करवाई है गाइस, वो पूरी बताने वाला हूँ। जिससे आप लोगों को पता होगा, मेरा काफ़ी टाइम से चल रहा था कि अप्रीला का मडगार्ड लगवाना है एंड गाइस रेलको का टायर लगवाना है। तो गाइस पीछे खड़ी है अपनी बीस्ट चैंप बेबो। तो यार गाइस चलते हैं अपन बेबो की तरफ। तो गाइस ये खड़ी है अपनी बेबो, जैसे गाइस आप देख सकते हो। गाइस इसमें मैंने काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन करा ली है, मतलब गाइस अब भी मैं पूरा रिकवर नहीं हो पाया हूँ, पर यार गाइस मैंने अपनी गाड़ी में पूरा ध्यान दिया है। आप लोगों को याद होगा, यही रोड थी जब गाइस रात से मेरी गाड़ी क्रैश हो गई थी, विली जब वो ट्राई कर रहा था, यहीं पर गाइस गाड़ी क्रैश हुई थी। देखो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा आगे जाके गाइस, बस इसके जस्ट आगे अपनी गाड़ी यहाँ पर क्रैश हो गई थी और काफ़ी बेकार कंडीशन हो गई थी गाड़ी की। पर यार गाइस रियली अब गाड़ी इतनी ओपी करवा ली है ना गाइज मैंने। हाँ मैं ये तो नहीं बोलूँगा ओनली वन इन भोपाल है, पर गाइज अपनी गाड़ी की बात बहुत ही ज़्यादा अलग है। अब गाइज मैं आप लोगों को पूरा क्लोज से सब कुछ बताने वाला हूँ, एंड ये चीज़ भी बताने वाला हूँ कि मुझे इसमें पैसा कितना खर्च कर दिया, सॉरी मैंने इसमें पैसा कितना खर्च कर दिया मॉडिफिकेशन पे। तो गाइज पहले आप ओवरऑल लुक देख लो, चाहे गाइज वो टायर का लुक हो, चाहे गाइज वो अपना फिर मडगार्ड का लुक हो। और बाकी गाइज मैंने इसमें हजार्ड प्रेशर इंस्टॉल करवाया है, उसके साथ गाइज इंडिकेटर बल्ब्स वगैरह सब कुछ चेंज करा दिया है विद इन नंबर प्लेट तक। गाइज नंबर प्लेट है अपनी सोनी, जो कि गाइज मेरा सरनेम है, एंड गाइज क्लासी मोटोवर्ल्ड, जो कि अपना यूट्यूब चैनल नेम है। तो गाइज बाकी आप लोग देख सकते हो ओवरऑल पूरी गाड़ी, फिर क्या क्या चेंजेस कराए हैं वो सब चीज़ मैं आप लोग को अब बताता हूँ। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो को। तो गाइज देखो, सबसे पहले बात आती है मडगार्ड की। तो गाइज जैसे आप लोगों को पता होगा, एक्सेस 120 वेब में थोड़ा सा हेवी सा मडगार्ड आता है, जो कि गाइज पूरा स्टील का रहता है। पर गाइज अब मैंने गाइज इसका जो मडगार्ड है गाइज वो चेंज करवा दिया है। एंड गाइज जो मैंने मडगार्ड लगवाया ना गाइज, जो मैंने अप्रीला 160R का लगवाया, तो गाइज बताऊँ उसका एडवांटेज क्या है। पहली बात तो गाइज सबसे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश मडगार्ड है, जैसे गाइज आप इसकी कटिंग वगैरह देख सकते हो, और गाइज मतलब ऐसा है कि कवर भी अच्छा करता है। और गाइज मडगार्ड का कॉस्ट जो आया ना, 800 रुपये का गाइज से भी मडगार्ड आया, और गाइज ये मडगार्ड पूरे भोपाल में कहीं भी अवेलेबल नहीं था। तो गाइज मैंने ये मडगार्ड को स्पेरीफाई से मंगवाया था, तो स्पेरीफाई वालों ने गाइज 700 रुपये का मडगार्ड था, 100 रुपये गाइज उन लोगों ने शिपिंग चार्ज लिया। उसके बाद गाइज जो इसमें कार्बन फाइबर चढ़ा हुआ है ना, वो अलग से लगवाया है, वो भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, बस अभी मैं आप लोगों को पार्ट्स की कॉस्ट बता रहा हूं। तो गाइज ये मुझे 800 रुपये का प्रॉपर तरीके से पड़ा है। अब दूसरा चीज़ आता है कि जो इसका आपको टायर दिख रहा होगा, टायर काफ़ी ज़्यादा हैवी और काफ़ी ज़्यादा बल्की लग रहा होगा। गाइज जो ये टायर का साइज़ है ना गाइज, वो है 120/70/12, मतलब 12 इंचेस के टायर हैं, और 120 जो उसका एमएम होता है, जो साइज होता है टायर का, वो है। जैसे गाइज आप देख सकते हो रेलको का ये मेरा टायर है, ये गाइज ये आप देख सकते हो 120/70/12। और गाइज जो ये टायर की मुझे कॉस्ट पड़ी ना गाइज, ये टायर की कॉस्ट ही मुझे 2200 रुपये पड़ी। और गाइज जैसे आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछला टायर भी चेंज करवाया था हैवीनेस के पीछे। तो गाइज मैं पीछे चल के भी आप लोगों को अपना टायर दिखा देता हूँ। तो गाइज ये देखो गाइज, ये मेरा पिछला टायर भी है, जो कि गाइज पिछला टायर भी मेरा रेलको का ही है। बस गाइज इसमें क्या साइज का अंतर है, मतलब साइज तो सेम है पर इंचेस का अंतर है। गाइज अपने जो पिछले एलॉय व्हील लेना गाइज, वो 10 इंचेस के हैं, एंड गाइज जो अपने अगले एलॉय व्हील लेना गाइज, वो 12 इंचेस के हैं। और गाइज जो मुझे पिछला एलॉय व्हील का प्राइस पड़ा है ना, एलॉय व्हील बोला, पिछले जो अपना रेलको का टायर का गाइज मुझे प्राइस पड़ा है ना गाइज, वो अप्रॉक्स मुझे 2000 रुपये समथिंग पड़ा है। बाकी गाइज देखो यार, अभी फिटिंग वगैरह का मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को पार्ट्स का ही बता रहा हूँ। उसके बाद गाइज मैंने इसमें हजार्ड फ्लेशन इंस्टॉल करवाया, तो गाइज रियली अजय भैया ने इतना प्यारा काम करके दिया है। देखो यार गाइज, जैसे आप लोगों को पता होगा, कभी भी आप हजार्ड फ्लेशन वगैरह इंस्टॉल करवाओगे ना, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है स्कूटियों में, कि अलग से एडिशनल सी बटन लगानी पड़ती है, चाहे आपके डैशबोर्ड काट के लगाओ, या फिर आप डिग्गी में रख लो, या फिर गाइज इधर ही मोबाइल होल्डर टाइप का जो मिल जाता है, या फिर यहाँ रख लो। पर मुझे इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं करवाना था, तो मैं ये सोच रहा था कि जो मेरी बटन है वो ऐसी जगह फिक्स हो जाए जहाँ पे वो बटन दिखे भी ना, और मेरा काम को मैं काम हो जाए। तो गाइज देखो, वो जो मैं हजार्ड फ्लेशर लेके आया ना, हजार्ड फ्लेशर गाइज मुझे 500 रुपये का हजार्ड फ्लेशर पड़ा है। एंड गाइज ये दोनों इंडिकेटर बल्ब 50 रुपये होके हो गए, और गाइज ये दोनों पीछे के 50 के हो गए, और गाइज ये जो अपनी जो टेल लाइट रहती पीछे की, वो 50 रुपये की हो गई। तो गाइज 150 रुपये का पूरे बल्ब गाइज मैं लेके आया हूँ, तो मतलब 650 रुपये मुझे हजार्ड फ्लेशर का लग गया। अभी गाइज देखो इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज यार मेरी गाड़ी में इतना फंक्शन लोडेड है ना, जैसे गाइज अभी मैं आप लोगों को सब कुछ ऑन करके बताऊंगा। गाइज ये अपनी आईज, जहाँ की गाइज नंबर प्लेट लगती है,
ये आइस भी बहुत प्यारी जलती हैं, तो गाइज इनका भी कनेक्शन है। इसके बाद गाइज एंटी थीप अलार्म भी लगा हुआ है, उसका भी कनेक्शन है। एंड उसके बाद अब हजार्ड प्लेसर का भी कनेक्शन है। तो गाइज जो गाड़ी का जो जब अपन खोलते हैं ना, ये हेड खोलते हैं तो इतनी सारी वायर्स दिखती है ना कि इंसान पागल हो जाएगा कि यार भाई क्या करवा के रखा यार तुमने गाड़ी को। पर यार गाइज मैं हमेशा एक दुकान से ही काम कराता हूँ, मैं अजय भाई के पास से काम कराता हूँ। तो गाइज गाइज उन्हीं ने मेरी पूरी गाड़ी का काम करा है ना, तो उनको सब कुछ पता है कि उनने कौन सा वायर कहाँ लगाया, तो उनके लिए बहुत ईजी पड़ता है, इसलिए गाइज वो इसमें काम कर पाते। वरना गाइज कोई अदर कोई इसमें अदर कोई मैकेनिक से करवाऊँ ना तो उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आए। बाकी गाइज आप पूरा लुक देख सकते हो गाड़ी का। अब गाइज मैं दिखा देता हूँ आपको बटन कहाँ लगी। तो गाइज जो अपनी बटन है ना, गाइज जो मैंने बटन यहाँ पे लगवा के रखी, जिसे गाइज आप देख सकते हो ये अपनी बटन लगी हुई है। बाकी गाइज ओवरऑल आप सब कुछ देख सकते हो, पीछे का टायर मैंने आप लोगों को दिखा दिया, नंबर प्लेट मैंने आप लोगों को दिखाई दी। तो गाइज अब मैं आप लोगों को गाड़ी एक बार ऑन करके बता देता हूँ कि ऑन करने पे कैसा क्या लुक दिखता है। तो गाइज देखो ऑन करने पे, मीटर ऑन करने पे, तो गाइज देखो मीटर पे इस टाइप की लाइट आ जाती है। एंड गाइज जो अपनी बीम लाइट होती है, अभी नीचे की ऑन नहीं है, नीचे की ऑन करके बता देता हूँ। तो गाइज चालू हो गई, चालू नहीं करना था। अब देख सकते हो गाइज जो अपनी ये जो ये वाली लाइट है गाइज, वो लाइट भी चालू हो गई है। उसके बाद गाइज अब मैं आप लोगों को हज़ार्ड प्लेसर ऑन करके बताता हूँ यहाँ से। तो गाइज देखो ये जो बटन है ना गाइज, ये बटन हज़ार्ड प्लेसर की है। अब देखो गाइज अपना हज़ार्ड प्लेसर भी ऑन हो चुका है। और गाइज देखो यहाँ से जो इसके ब्लिंकर्स हैं ना गाइज, वो भी चेंज हो जाते हैं। ये देखो गाइज ऑरेंज आए थे, पर फिलहाल पे तो मैंने वाइट एलईडी वगैरह लगवा के रखे हैं। उसके बाद गाइज जो इसमें एंटी थीप अलार्म भी एक्टिव है। और बाकी ब्रेक मारो ना तो ब्रेक मारने में भी लाइट मतलब अभी देखो जल ही रही है। अभी तुमको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा पर वो जल रही है, जैसे गाइज आप लोग देख सकते हो। फिलहाल पर बैटरी लो है गाड़ी की। एंड गाइज एक्सीडेंट भी हुआ पड़ा है, तो पाँव की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बाकी आप लोग देख सकते हो। और गाइज देखो एक बटन से ही इसे अपना नॉर्मल बंद हो जाता है। सबसे अच्छी बात है कि गाइज ये दिखता नहीं है। मेन बात जैसे अपने डैशबोर्ड वगैरह पे होता ना तो मेरे हिसाब से ये शो हो जाता है, फिर यहाँ भी होता ना तो ये भी दिखता, पर ऐसी जगह पे जो बटन की सेटिंग करवाई ना वो दिख नहीं रहा, सबसे अच्छी वही बात है। बाकी ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, मोबाइल होल्डर है, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से यहाँ पे आप मोबाइल की केबल लगा के यहाँ पे इजी तरीके से अपना मोबाइल रख सकते हो। बाकी गाइज मैंने ओवरऑल आप लोगों को पूरी गाड़ी का लुक बता ही दिया है। बाकी इसकी जो कॉस्ट पड़ी है मुझे हज़ार्ड प्लेसर विद एलईडी के साथ, तो 700-800 रुपये का पड़ा है। इस पर जो गाइज मैंने कार्बन फाइबर चढ़वाया है, गाइज ये कार्बन फाइबर ही मुझे 400 रुपये का चढ़वाने पड़ा है, क्योंकि यार देखो ये प्लास्टिक है, जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा जो यहाँ पे प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक में गाइज कोई सा भी विनाइल होना चिपकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बहुत हीटिंग के बाद चिपकाया, पर जब भी आप देख सकते हो जो फिनिशिंग है ना थोड़ी सी आ नहीं पाई है, क्योंकि देखो ये वापस से विनाइल छोड़ रहा है। ये देखो आप देख सकते हो, ये देखो। और गाइज अंदर से भी बहुत सारी टेपिंग वगैरह की है कि ये जल्दी निकले ना, पर गाइज। और ये देखो जो इसके अपन ने जो मडगार्ड लगवाया है ना, तो गाइज इस प्लेट के थ्रू लगवाया है, क्योंकि सेटिंग तो करनी ही पड़ती है जैसे आप लोग देख रहे हो। इसमें भी गाइज मैंने कार्बन फाइबर चढ़वा दिया था कि बेकार ना दिखे। बाकी आप इस टाइप से भी देख सकते हो, ये देखो ये भी गाइज कार्बन फाइबर ही चढ़वा। तो गाइज कार्बन फाइबर की कोट 400 रुपये की मुझे पड़ी थी। बाकी गाइज यहाँ पे मैंने अभी सोच के रखा है यहाँ पे लिमिटेड एडिशन लिखवाना है, जैसे गाइज यहाँ पे प्रो रेसिंग लिखा हुआ था, प्रो रेसिंग साइड से उस साइड लिखा था, इस साइड ये वाला कलर और रेड कलर का वो तीन टाइप का बना हुआ था, पर गाइज यहाँ पे अब अपन को लिमिटेड एडिशन लिखवाना है। तो बाकी यार मैं एक बार रात में भी आपको पूरी गाड़ी का जो व्यू है वो दिखाऊंगा। बाकी यार अभी मैंने सीट भी फिलहाल पे चेंज करा दी है, तो सीट भी गाइज मुझे 500 रुपये की पड़ी है। अभी गाइज पूरी गाड़ी मैंने कंप्लीट करा के रखी है। एंड गाइज आप लोगों को जैसे पता होगा ड्यूक का भी एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, तो ड्यूक को भी गाइज मैंने पूरा रिपेयर करवाया है। तो अब ड्यूक का ब्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी गाइज आप देख सकते हो अभी अपनी वेगो बहुत ही सुंदर लग रही है, जैसे आप लोग देख सकते हो गाइज। तो यार मैंने आप लोगों को सब चीज़ की कॉस्ट वगैरह सब कुछ बता दी है। बाकी गाइज जो इसमें फंक्शन है ना गाइज, वो 17 फंक्शन है, मतलब 17 टाइप की एलईडी चेंज होती हैं। मतलब यहाँ से आप बंद चालू करोगे ना, तो जिसे मैं एक बार आपको करके ही दिखा देता हूँ। देखो ये है, अभी देखो अलग टाइप का ब्लिंकर चल रहा है ना यहाँ। अब देखो गाइज अलग हो गया, अब फिर मूड चेंज हो जाते एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं। बाकी यार ये सैंडल बोल रहा हूँ, स्लीपर्स वगैरह इसलिए पहन के घूमना पड़ रहा है यार, जैसे आप देख सकते हो पाँव के कारण गाइस मैं कुछ बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना कहीं जा पा रहा हूँ ना कहीं आ पा रहा हूँ। पर यार गाइस गाड़ी मैंने पूरी तरीके से बनवा ली है, अपनी एक्सेस भी और गाइस ड्यूक भी। तो गाइस ड्यूक का भी मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था ना उसको भी मैंने रिपेयर कराया ऑन कैमरा, तो गाइस वो ब्लॉग भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी मेरी गाड़ी का लुक बताओ कैसा लग रहा है गाइस। हाँ हाल फिलहाल में मैं कुछ सोच रहा था कि इसके एसेसरीज में निकाल दूँ, पर यार गाइस एसेसरीज से रियली यार गाड़ी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जब गाइज यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था ना, तो गाइज मेरी आधी गाड़ी तो गाइज रियली एसेसरीज ने बचाई, यानी एसेसरीज नहीं होती ना तो गाड़ी एक साइड से तो पूरी खत्म हो जाती है। गाइज एसेसरीज का क्या रोल रहता है, जब भी अपनी गाड़ी गिरती है या फिर क्रैश होती है ना, तो यही छिलता है बस, जैसे आप देख सकते हो कितनी बार गाड़ी छिली है, बस यही छिलता है, गाड़ी को ज़्यादा डैमेज नहीं पहुँच पाता। बाकी गाइज मैंने सोच के रखा है
जो इसका कलर वगैरह है यहाँ पे अपन उड़वाएंगे। जैसे गाइज यहाँ का थोड़ा सा कलर डल हो गया है और गाइज यहाँ पे स्क्रैच वगैरह और ये अपना जो पैनल है वो थोड़ा सा टूट भी गया है। बाकी गाइज आप लुक देख सकते हो गाड़ी का, बाकी सब कुछ बढ़िया है। हर चीज़ की कॉस्ट मैंने आप लोगों को बता दी है। एक लास्ट टाइम और बता देता हूँ, 800 रुपये का मडगार्ड पड़ा है, 2200 रुपये का आगे का टायर है, पिछले का टायर 2000 रुपये का है जो हजार मिसर और मुझे LED के साथ पड़ा है, सॉरी 650 रुपये का पड़ा है। और जो इसके ऊपर मैंने कार्बन फाइबर चढ़वाया गाइज वो मुझे 400 रुपये का सिर्फ कार्बन फाइबर मैंने चढ़वाया है विथ ये नाम के साथ जो रुद्राक्ष सोनी लिखा है दोनों साइड, जैसे आप देख सकते हो जो मेरी इंस्टाग्राम ID है। बाकी गाइज हज़ार प्रेशर का बता दिया, LED इंडिकेटर्स का बता दिया एंड गाइज यानी सीट डलवानी, तो ये सीट का प्राइस मुझे 500 रुपये पड़ा है जो कि गाइज मैंने एक Amazon की स्क्रीनशॉट लेके इस सीट को बनवाया था। बाकी गाइज ये बटन्स वगैरह का तो देखो यार थोड़ा थोड़ा है पर इतना थोड़ा मोड़ा तो चलता है। और ये गाइज जो नंबर प्लेट बनवाई थी ना, तो ये 400 रुपये की नंबर प्लेट बनी थी, कांच की नंबर प्लेट है, काफ़ी अच्छी शाइनिंग करती है। बाकी गाइज अभी मडगार्ड वगैरह का तो अभी मैंने उसको पुराना मडगार्ड अभी रख दिया है घर में निकाल के, कभी ना कभी तो काम आएगा। सो यार काफ़ी समय से बेबो पे ब्लॉग भी नहीं आ पाया था, तो गाइज बेबो पे भी आपको ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा अभी जल्दी, चाह जल्दी से मेरी तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद गाइज कहीं अच्छी देखते हैं कुछ अच्छी से ट्रिप में आप लोग निकलेंगे ज़रूर तो ज़रूर। बाकी यार गाइज बेबो का लुक बहुत ओपी लग रहा है। बाकी यार आप लोग एक चीज़ मुझे ये बताओ, जैसे अपन इस एंगल से गाड़ी देख रहे हैं ना, इस एंगल से गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, पर गाइज जैसे अपन थोड़ा नीचे बैठ के गाड़ी देखते हैं ना तो गाइज गाड़ी का ये दिखने लगता है। इसमें ऐसा गाइज क्या लगवाऊँ कि ये थोड़ा कवर अप हो जाए और ये इतना ज़्यादा दिखे नहीं, तुम बताओ क्या लगवा सकता हूँ। बिकॉज अगर नट बोल्ट दिखते ना तो अलग टाइप का फील लगता है, फिक्स टाइप का, पर रियली गाइस मडगार्ड बहुत ओपी लगता है यार ये गाड़ी पे। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, यानी मडगार्ड चेंज करा लेता और टायर चेंज नहीं कराता तो गाड़ी बहुत ज़्यादा बेकार लगती। क्यों? क्योंकि यार जो जिसमें एक्सेस में टायर आता ना गाइज वो 90 टायर साइज आता है उसका, 90 रहता है वो और बहुत पतला रहता, तो इस जो अपना मडगार्ड है ना इस मडगार्ड में जम नहीं पाता। पर यार गाइज अभी 120 साइज का लगा हुआ है, जैसे गाइज आप देख सकते हो तो टायर भी कितना हैवी लग रहा है और मडगार्ड पे भी बहुत प्यारा लग रहा है। सो यार गाइज बाकी जो मैंने जब इसको मैं किसका काम करवा रहा था उसकी मैंने छोटी छोटी क्लिप बनाई थी दीदी के फ़ोन पे आईफोन पे, तो उसके क्लिप गाइज मैं ऐड कर दूंगा तो वो भी आप लोग देख लेना। तो यार गाइज मैं वीडियो एंड करता हूँ, तो गाइज वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड गाइज बेल के आइकन पर क्लिक कर देना जिससे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ यार गाइज अभी बिल्कुल जंगली जैसा हो रखा हूँ, बाल वगैरह भी नहीं कटाए, दाढ़ी वगैरह भी नहीं कटाई है, बिकॉज यार देखो मुझे अभी आना जाना कहीं है नहीं 7-1 दिन के लिए, और अभी मैं ज़्यादा लंबा नहीं जा सकता बिकॉज यार अभी मैं ब्रेक वगैरह भी अच्छे से नहीं मार पाता हूँ, जिसे आप लोगों को दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा गाइस पाँव में सूजन भी रहती है और दर्द भी काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज यार गाड़ी इस तरीके से क्रैश हुई थी ना। क्रैश का सीन मैं आप लोगों को बताऊंगा पर ड्यूक वाले ब्लॉग में। तो यार गाइस जब वीडियो एंड करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सो गाइस बेल के आइकन पर क्लिक कर देना जिससे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ गाइस जिस किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कराओ तो लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन, जल्दी से जाओ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और धूम मचा दो, जल्दी जल्दी 100K फॉलोवर कराओ। लव यू इंस्टा फैम एंड गाइज ऐसी सपोर्ट करते रहो, ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखोगे तुम्हारा भाई एक दिन 100K पे बहुत जल्द पहुंच जाएगा। तो गाइज मिलता हूँ आप लोगों को कोई और सी न्यू सी वीडियो में, तो जो भी इसकी मेरे पास क्लिप्स होगी मॉडिफिकेशन कराते टाइम की वो क्लिप्स मैं ऐड करके ब्लॉग में डाल दूंगा। सो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। लास्ट बार देख लो लुक बता देना कैसा लुक लग रहा है, टाटा चलो गाइज़।